हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फिर से वही स्टडी करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो पिछले क्लास में जो बच्चों हम लोग स्टडी किए हुए थे वो कहाँ पर गए, बात कहाँ पर गया हुआ था कि मैटर क्या है, पदार्थ क्या है और इस मैटर को हम लोग क्लासिफाई किस प्रकार से कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। हम लोग वहाँ पर क्लासिफिकेशन किए हुए थे, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन मतलब उसकी कौन कौन सी अवस्थाएं हो सकती, स्टेट्स हो सकते हैं। तो आपको पता, मैंने बताया था जनरली 5 स्टेट्स स्टेट होते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन में, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा स्टेट एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट। बट मेजरली हम लोग 3 पर ही बात करेंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, है ना। और इस दोनों पर जो प्लाज्मा स्टेट था वो जो था आपके पास बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट, उसको यूं ही थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करके छोड़ देंगे। उधर से केमिकल क्लासिफिकेशन भी था, है ना। तो केमिकल क्लासिफिकेशन को हम लोग पढ़ेंगे ज़रूर, लेकिन उसके पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा फिजिकल क्लासिफिकेशन कर लो। फिजिकल क्लासिफिकेशन को करके तब हम लोग कहाँ पर जाएंगे बच्चों, आपके पास केमिकल क्लासिफिकेशन में। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन की जो बात थी हमारे पास, फिजिकल क्लासिफिकेशन या फिर फिजिकल स्टेट भी बोल सकते हो, शायद मैंने कल फिजिकल स्टेट लिखा था, एक ही है। फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग 5 स्टेट्स होते हैं, 5 स्टेट्स स्टेट्स ऑफ मैटर होंगे। पदार्थ के कितने अवस्थाएं होंगे बाबू, 5 अवस्थाएं होंगे। वो कौन कौन से हमारे पास है, पहला जो हमारे पास है वो सॉलिड स्टेट देखेंगे, सॉलिड ठोस अवस्था, लिक्विड द्रव अवस्था, गैस गैसीय अवस्था, प्लाज्मा स्टेट प्लाज्मा अवस्था एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट, BEC स्टेट। ओके बाबू, तो मेजरली हम लोग बात करें, मुख्यतः जो होंगे वो हम लोग ये 3 पर ही काम करेंगे, क्योंकि इस 2 जो और अवस्थाएं हमारे पास है इस पर अभी हमारे पास डीपली नॉलेज नहीं है, इसलिए हम लोग इसमें डिटेल्स स्टडी नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी इसके बारे में जान लेनी चाहिए, क्योंकि अब इसकी साइंस शुरू हो चुकी है। तो अगर इसके पहले थोड़ा सा मैं इसके बारे में जान लूँ, प्लाज्मा स्टेट के बारे में इस सबको डिटेल्स पढ़ेंगे थोड़ा सा, तब इसको देख लेंगे हम लोग। प्लाज्मा स्टेट पहला पॉइंट, पहला स्टेट, दूसरा स्टेट, तीसरा स्टेट, फोर्थ स्टेट। तो क्वेश्चन अगर कर दे फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज, दिस विल बी द प्लाज्मा स्टेट। ओके बाबू, प्लाज्मा स्टेट मैटर का 4थी अवस्थाएं होती है, फोर्थ स्टेट होते हैं। पहला पॉइंट लिख दो, चल मैं इसमें लिख रहा हूं पहला पॉइंट, इट इज फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, इट इज फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। लिख लोगे बाबू, यह पदार्थ की फोर्थ स्टेट, यह पदार्थ की फोर्थ स्टेट होते हैं। दूसरा पॉइंट, ये न्यूट्रल स्टेट में होते हैं। न्यूट्रल स्टेट कहने का मतलब ये हुआ, कोई सब्सटेंस न्यूट्रल तभी है जब तक उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज पार्टिकल्स इक्वली उसमें अरेंज ना हो जाए। तो यहाँ भी ये जो फोर्थ स्टेट मैटर के होते हैं बाबू, ये न्यूट्रल स्टेट होते हैं, क्योंकि ये इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज कैटायन से और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं। ये जो हमारे पास प्लाज्मा स्टेट है न्यूट्रल स्टेट होती है, क्यों, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ कैटायन से और
इक्वल ऑफ कैटायन और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं। तो सेकेंड पॉइंट हम लोग यहां लिखूं, इट इज न्यूट्रल स्टेट, क्यों बाबू, एंड कंसिस्ट ऑफ इक्वल नंबर ऑफ कैटायन बोले तो पॉजिटिव चार्ज है ना, एंड नेगेटिवली शॉर्ट में लिखा हूं चार्ज एनायन, सॉरी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है बाबू, नेगेटिव चार्ज होता है ना। तो ये जो स्टेट होते हैं प्लाज्मा स्टेट, आपके चौथी अवस्थाएं जो होती है न्यूट्रल स्टेट होती है, ये पॉइंट बाबू मार्क करना, क्वेश्चन पूछता है। और ये जो बने होते हैं इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस मतलब पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, और वो नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल कौन होते हैं बाबू, इलेक्ट्रॉन्स हुआ करते हैं। तो हिंदी वाले बच्चों तेज लिखोगे, यह उदासीन अवस्थाएं होती है क्योंकि समान संख्या में कैटायन एवं ऋणात्मक चार्ज इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं। जैसे मैं से कुछ एग्जांपल दे दूं, इसकी एग्जांपल वेल्डिंग आर्क, वेल्डिंग आर्क है ना, वेल्डिंग जो करने वाले जो वहां से लौ निकलते हैं ना, ये वेल्डिंग आर्क इस प्लाज्मा स्टेट में होते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर में एग्जिस्ट करते हैं। दूसरा एग्जांपल सोलर और कहीं मिलेंगे है ना, ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे पास नहीं रखती, थोड़ा सा आप इस पॉइंट को मार्क करोगे। उसके बाद हल्की सी बोस आइंस्टीन कंडेंस स्टेट में है, बड़ी मज़ेदार ये पॉइंट ही है। देखो बाबू, पूरे यूनिवर्स में अगर सबसे अगर ठंडा स्टेट माना जाता है वो तो कौन सा स्टेट होता है बाबू, ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट होता है, क्योंकि ये जो स्टेट एग्जिस्ट करता है बोसोन टेम्परेचर पर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर किसको कहते हैं हम लोग, जीरो केल्विन को कहते हैं, और अगर जीरो केल्विन को हम लोग अगर डिग्री सेंटीग्रेड में चले जाएं तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर, सॉरी जीरो डिग्री सेंटीग्रेड मतलब -273 केल्विन के बराबर वो आएगी। ओके, चल बात करता हूँ थोड़ा सा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट के पास, आ जाओ बाबू इसमें आ जाओ। इट इज कोल्डेस्ट स्टेट इन यूनिवर्स, इट इज कोल्डेस्ट स्टेट इन यूनिवर्स एंड एग्जिस्ट एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। कहने का मतलब ये हुआ जीरो डिग्री सेंटीग्रेड को एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहा जाता है, और जीरो डिग्री सेंटीग्रेड कहने का मतलब ये हुआ और -273 केल्विन के बराबर होगी, माइनस में जाना है, -273 केल्विन के बराबर होती है, इसलिए इसको सबसे कोल्डेस्ट स्टेट मानते हैं पूरे यूनिवर्स में। ओके बाबू, ओके हिंदी वाले बच्चों लिखेंगे, इसे
यूनिवर्स का, इसे यूनिवर्स का थोड़ा सा बाबू एक कुछ लगता है कन्फ्यूजन हो गया यहाँ पे, आप सुधार लोगे। 0 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं लिखेंगे टेम्परेचर, 0 केल्विन लिखेंगे बाबू। और 0 केल्विन मतलब -273, अब ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड थोड़ा यहाँ सुधार कर लोगे। कि ये सबसे ठंडा टेम्परेचर, सबसे ठंडा स्टेट मानी जाती है। क्यों? क्योंकि एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर एग्जिस्ट करता है, और एब्सोल्यूट 0 करने का मतलब ये 0 केल्विन पर, और 0 केल्विन मतलब -273 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एग्जिस्ट करेगा, और इतना कम टेम्परेचर मतलब ये दुनिया का सबसे ठंडा स्टेट माना जाता है ना। तो हिंदी वाले बच्चों लिख लेंगे बाबू, इस स्टेट को, इस अवस्था को, इस अवस्था को ब्रह्मांड का सबसे, इस अवस्था को ब्रह्मांड का सबसे ठंडा अवस्था, सबसे ठंडा अवस्था माना जाता है, क्योंकि यह एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर ब्रैकेट में 0 केल्विन और -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर पाई जाती है, पर पाई जाती है। ओके बाबू, सेकेंड पॉइंट लिख लूँ, इतना ठंडा होने के कारण इस स्टेट में जितने भी एटम्स होते हैं, मान लिया कि 10, 15, 20, 25, 30 एटम हैं, वो सारे के सारे एटम क्या होते हैं, ठंडा होने के कारण एक दूसरे के साथ क्लंप कर जाते हैं, एक दूसरे के साथ जकड़ जाते हैं, है ना। बहुत ठंडा होने के कारण ये टेम्परेचर, ये स्टेट, जितने भी एटम्स है एक दूसरे से क्लंप कर जाते हैं, और क्लंप होकर सब सारे के सारे क्या हो जाएंगे, एक सिंगल एटम की तरह बिहेव करना शुरू कर देती है। तो सेकंड पॉइंट लिखेंगे आप, इसी नीचे लिखोगे, इसी के नीचे लिखोगे इसमें, इन दिस स्टेट ऑल एटम्स आर क्लम्प्ड एंड एग्जिस्ट एज सिंगल स्टेट, सिंगल एटम। हिंदी वाले बच्चों देखो बाबू, इस अवस्था में, बस मैंने आपको जानकारी दे दिया, कोई मेजर पार्ट आपको इसके कवर नहीं करना है। इस अवस्था में सभी एटम, सभी एटम एक दूसरे से क्लंप कर जाते हैं, क्लंप करना मतलब जकड़ना, एक दूसरे से क्लंप कर जाते हैं, एवं सिंगल एटम की तरह, एवं सिंगल एटम की तरह बिहेव करती है। ओके बाबू, तो हम लोगों को मेजरली कौन देखना है, ये तीनों स्टेप देखना है, और ये मेजरली, ये तीनों स्टेट मेजरली स्टेट है, मेजर स्टेट ऑफ मैटर। जनरली हम लोग तीन पर ही बातें करेंगे, चौथी और पांचवें को मैंने सिर्फ आपको एक संज्ञान में दे दिया, सिर्फ एक ब्रेन में सेट कर लेना है। मेजर स्टेट ऑफ मैटर कौन कौन है, सॉलिड, लिक्विड, गैसें, है ना। चलो थोड़े से मैं आपके पास एक कुछ डिस्कशन का आइडिया डाल रहा हूँ, आ जाओ देखते हैं, नोट करके मैं इस पर कुछ बहस करने जा रहा हूँ, तब देखेंगे सॉलिड लिक्विड गैस को। कोई सॉलिड ले लें, मान लिया मेरे पे, मेरे हाथ में चौक है, है ना। इस चौक को अगर मैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ दूँ तो टूट जाएगा। इसका मतलब ये हो गया, ये जो चौक है कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट जो बना हुआ चौक है, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना हुआ है, वो सारे के सारे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं ना, एक दूसरे से बहुत ही क्लोजली पैक है, एक दूसरे से बहुत ही सटे सटे होते हैं, और सटे सटे होने के कारण इसको देखो हम दबा रहे हैं, नहीं दब रहा है ना। अगर पार्टिकल्स दूर दूर अरेंज होता, दूर दूर अरेंज होता, तो उसको हम लोग इस प्रकार से कंप्रेस करते दबाते दब जाता है ना। तो थोड़ा सा देखो बाबू यहाँ पे, कि मैं यहाँ पे एक सॉलिड को दिखा रहा हूँ,
सॉलिड को दिखा रहा हूँ, और सॉलिड में मैंने क्या क्या यहाँ पे कोई एक पार्टिकल लिया, एक कोई सॉलिड का बॉडी है, और इसमें क्या होता है मैंने उसके पार्टिकल्स को दिखाया जो एक दूसरे जिससे वो बना हुआ है। क्योंकि अगर सॉलिड को तोड़ोगे तो छोटे छोटे पार्टिकल में टूट रहा है, इसका मतलब क्या हुआ वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, ये पार्टिकल्स हैं, है ना। चलो मैं लिक्विड की बात करता हूँ, लिक्विड को रखने के लिए आपको एक बर्तन चाहिए, मैंने ग्लास लिया, इस ग्लास में इस लिक्विड को रख दिया, और लिक्विड जो पार्टिकल्स होते हैं ना सॉलिड के तुलना में कुछ दूर दूर पर अरेंज होते हैं, और गैस के बारे में बात करूं, गैस को कभी आप खुले बर्तन में रख पाओगे, इसको जब भी रखोगे आप बंद बर्तन में रखोगे। चलो मैंने क्या किया, यहाँ पे कोई एक इस प्रकार से बर्तन लिया और इस बर्तन में इसको क्या किया, बंद कर दिया, और गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं ना ये एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, बहुत बहुत फार होते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, गैस के, लिक्विड के रिस्पेक्ट में दूर दूर अरेंज होते हैं, और अगर लिक्विड के रिस्पेक्ट में दूर है तब तो सॉलिड के रिस्पेक्ट में दूर तो होगा ही। तो कहा जाता है अगर दो मास को, दो पार्टिकल को एक दूसरे के करीब रखा जाए तो उस दोनों के बीच में हमेशा आकर्षण बल काम करता है, और उस आकर्षण बल को नाम देते हैं हम लोग इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक मॉलिक्यूल यहाँ पर दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ है, चूंकि ये मॉलिक्यूल से बना हुआ है, एटम कहो या मॉलिक्यूल्स कहो, तो दो मास के बीच ऑलवेज क्या होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। हालांकि चार्ज पार्टिकल में अट्रैक्शन भी काम करता है, रिपल्शन भी काम करता है, अगर समान चार्ज हो तो रिपल्शन काम करेंगे, अगर डिसिमिलर चार्ज हो तो वहाँ पर अट्रैक्शन काम करती है। लेकिन मैं चार्ज पार्टिकल के बारे में आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मास के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहा हूँ। तो दो अगर यहाँ पे कोई एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, सॉरी यहाँ पे दो मास हैं, तो उसके बीच में ऑलवेज अट्रैक्शन काम करेगा। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि किस पर कितने अमाउंट में अट्रैक्शन काम कर रहा है, तो इसके बीच में ये स्ट्रॉन्ग भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर सकता है, वो इसके बीच में ये विक भी काम कर सकता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो फोर्स होता है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द डिस्टेंस के स्क्वायर का है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या फोर्स ऑफ रिपल्सन जो भी हो वो उसके डिस्टेंस के स्क्वायर का रिपल्सन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ही पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब होगा वहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा लगेगा, और जितना ही दूर होंगे उसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही कम लगेगा, और यहाँ पर उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को नाम देता है इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो चूँकि सॉलिड में पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत ही क्लोजली पैक है, सटे हुए हैं, इसलिए यहाँ पे इसके बीच में जो इंटर मॉलिकुलर फोर्स लगेंगे वो सबसे अधिक लगेगा, सबसे अधिक करने का मतलब ये सॉलिड से और लिक्विड के तुलना में अधिक लगेंगे। लिक्विड में पार्टिकल्स की दूरियाँ एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बढ़ गई, बढ़ने से क्या होंगे उसके बीच में इंटर मॉलिकुलर फोर्स अंतः आणविक आकर्षण बल सॉलिड के तुलना में क्या होंगे, बहुत सॉलिड की तुलना में कम लगते हैं। और गैस में पार्टिकल्स एक दूसरे से इतना दूर हो जाते हैं उसके बीच में पकड़ने वाला उसका जो फोर्स है वो लगभग में खत्म हो जाती है, और ख़त्म हो जाने के कारण ही अगर किसी प्रकार से इसका अगर ढक्कन खोल दो तो गैस के पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, है ना। तो देखो बाबू, जिसके बीच में इंटर मॉलिकुलर फोर्स सबसे अधिक था वो सॉलिड स्टेट था, जिसमें कम थी लिक्विड था, और जिसमें इंटर मॉलिकुलर फोर्स लगेंगे नहीं वो गैस हमारे पास होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर इज ड्यू टू डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर जो होते हैं वो क्यों होते हैं, ड्यू डिफरेंट अमाउंट ऑफ एग्जिस्टिंग फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के बीच जो एग्जिस्टिंग फोर्स हैं, इंटर मॉलिकुलर फोर्स हैं, वो अलग अलग लगने के कारण ही आपके पास सॉलिड, लिक्विड और गैस के आपके पास स्टेट मिलेंगे। ओके बाबू, तो पहला पॉइंट लिखो, ये क्लियर हो गया। सबसे स्ट्रांग इंटर मॉलिकुलर फोर्स अंतः आणविक आकर्षण बल कहाँ लगेंगे, सॉलिड में। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स बहुत एक दूसरे से क्लोजली पैक होते हैं, और उससे कम किस में लगेंगे, गैस में। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स के बीच इसके रिस्पेक्ट दूरियाँ बढ़ गई, और इसके बीच में दूरियाँ है ही नहीं, दूरियाँ इतना ज़्यादा हो गई, सॉरी बहुत ज़्यादा दूरियाँ हैं, और दूरियाँ इतना ज़्यादा हो गई, जितना ही ज़्यादा दूरियाँ होंगे
डिस्टेंस है उतना ही इसके बीच फोर्स कम लगेंगे, है ना। तो पहला मैं पॉइंट लिखू, पहला मैं यहाँ ये पार्टिकल्स है और ये पार्टिकल्स हैं सब, और ये सब भी पार्टिकल्स हैं। तो यहां पे बाबू जो पार्टिकल्स क्लोजली पैक है ना, पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड हैं, बहुत एक दूसरे सटे हैं, तो फिर कैसा फोर्स लगेगा बाबू, स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स लगेंगे। ओके बाबू, आप लोग हिंदी वाले बच्चों लिख लेंगे, पार्टिकल एक दूसरे के निकट है ब्रैकेट में अतः प्रबल मतलब मजबूत, अतः प्रबल अंतःआणविक बल लगती है, अंतःआणविक बल लगती है, और वो कैसा होगा, आकर्षण बल, है ना। इसमें आ जाओ, पार्टिकल्स आर अरेंज्ड ना, देखो बाबू इसमें ऑर्डरली है, एक निश्चित क्रम में सजे होते हैं, इसमें कोई एक डेफिनेट ऑर्डर नहीं होता, और इसमें तो पूरी तरह इंडेफिनेट होता है, कभी इधर कभी उधर कभी इधर भागते रहता है उसमें, है ना। पार्टिकल्स आर अरेंज्ड डिसऑर्डरली एंड फार दूर दूर होते हैं, हैंस लेसर इंटरमोलिकुलर फोर्स किसके तुलना में कम लगेगा बाबू, सॉलिड के तुलना में कम लगेंगे। तो आप लोग लिखेंगे बच्चों, हिंदी वाले बच्चे, पार्टिकल्स अनियमित क्रम में सजे होते हैं, डिसऑर्डरली मतलब इधर उधर, पार्टिकल्स अनियमित क्रम में सजे होते हैं, अनियमित क्रम में एवं दूर दूर होते हैं, अनियमित क्रम में एवं दूर दूर होते हैं, अतः कम अंतःआणविक आकर्षण बल कार्य करती है। ओके, इसमें बाबू पार्टिकल्स इतने दूर दूर होते हैं, बहुत ज़्यादा दूरियां बढ़ गई, उसके बीच में आकर्षण बल काम करता ही नहीं है। अब जब आकर्षण बल काम करेंगे नहीं, ये पार्टिकल्स एक दूसरे का आकर्षण नहीं है, तो कोई इधर भागेगा, है ना। दैट मीन्स जिगजैग मोशन, दैट मीन्स रैंडम मोशन, दैट मीन्स यादृच्छिक गति। तो यादृच्छिक गति कहाँ पर होंगे हमारे पास, गैस में, और मतलब इधर भाग रहा उधर भाग रहा उधर भाग रहा, अरे भागने का कहाँ जगह है आपके पास, इसी बर्तन की दीवार से टकराओगे, क्योंकि इसके बीच में मार पकड़ने वाला बल कोई नहीं है, तो ये दीवक्का इधर टकराएगी, खूब टकराएंगे, और इतना ज़्यादा टक्कर मजबूत होती है कि दीवार अगर कमज़ोर हो तो बर्तन को ब्लास्ट कर देगा, और अगर दीवार मजबूत हो तो फिर ब्लास्ट नहीं कर पाएंगे, है ना। और ये चूंकि पार्टिकल्स इधर तो भागते रहते हैं, इसलिए इसको बंद बर्तन में रखना पड़ता है, और अगर बर्तन का ढक्कन को खोल दो पार्टिकल्स दूर भाग जाएंगे। अगर ये कोई क्वेश्चन कर दे कि हम लोग लिक्विड को खुले बर्तन में रख सकते हैं लेकिन गैस को खुले बर्तन में क्यों नहीं रख सकते, तो उसको आप बड़ी आराम से आंसर करना बाबू, कि लिक्विड में पार्टिकल्स एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बहुत दूर होते हैं, जिस कारण उसके बीच इंटरमॉलिकुलर फोर्स काम नहीं करता, और इंटरमॉलिकुलर फोर्स काम नहीं करेंगे
तो उसके पार्टिकल्स में जिग जैग मोशन, रैंडम मोशन हो जाते हैं, यादृच्छिक गति हो जाते हैं, और इसीलिए उसको बंद बर्तन में जबरदस्ती पकड़ के रखना पड़ता है। और नहीं पकड़ के रखोगे, नहीं बंद करके रखोगे, तो दुनिया को छोड़ के बाहर निकल जाएंगे, है ना। तो मैं यहाँ लिखूं बाबू, नो पार्टिकल्स आर वेरी फार, बहुत दूर होते हैं, वेरी फार, हेंस पार्टिकल्स आर अराउंड डिसऑर्डरली, वो भी क्या, वेरी डिसऑर्डरली, ये तो डिसऑर्डरली है, वेरी डिसऑर्डरली उसमें होते हैं, वेरी डिसऑर्डरली एंड वेरी फार, बहुत दूर दूर होते हैं, ओके बाबू, हैंस नो इंटर मॉलिक्यूलर, नो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स इज ऑब्जर्व्ड, हैंस नो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स इज ऑब्जर्व, किसी प्रकार के इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स यहाँ पे काम नहीं करते, और नहीं करते तो किस प्रकार के मोशन एग्जिस्ट करेगा, वो रैंडम मोशन एग्जिस्ट करेगा ना। एंड सो उसका ध्यान लिख रहा हूँ, उसके बाद आपको यहीं लिखना है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आपको यहीं पर लिखना है, एंड सो रैंडम मोशन जिसे जिग जैग मोशन भी कहा जाता है, ओके बाबू। हिंदी वाले बच्चों लिखेंगे, गैस में पार्टिकल्स बहुत दूर दूर व्यवस्थित होते हैं, बहुत दूर दूर अनियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, इसलिए अंतःआणविक आकर्षण बल नहीं लगती है, जिसके कारण गैस के पार्टिकल्स रैंडम मोशन, देखो यहाँ लिखा हुआ है, रैंडम मोशन यादृच्छिक गति, इसको बोलते हो यादृच्छिक गति, है ना, रैंडम मोशन दिखाती है, ओके। तो फिर हमारे पास ये क्लियर हो गया, पदार्थ के जो डिफरेंट स्टेट होते हैं, मेजर स्टेट में सॉलिड लिक्विड गैस, वो क्यों बनते हैं, ड्यू टू डिफरेंट इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, है ना बाबू। तो मैं यहाँ पर लिख दूँ, डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की अलग अलग अवस्थाएं, और ये क्यों हुआ, ड्यू टू डिफरेंट इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना, ये क्यों बनती है बाबू, इट एग्जिस्ट ड्यू टू डिफरेंट इट एग्जिस्ट ड्यू टू डिफरेंट डिफरेंट इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, पदार्थ की अलग अलग अवस्थाएं क्यों होती है, उसके बीच अंतःआणविक बल जो लगते थे, आकर्षण बल, वो अलग अलग होते हैं, सॉलिड में सबसे अधिक होते हैं, जिसमें सबसे अधिक वो सॉलिड है, जिसमें उससे कुछ कम लिक्विड है, और जिसमें इंटरमॉलिक्यूल लगेंगे नहीं, वो क्या होते हैं बाबू, गैस होते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग देख लो, सॉलिड
देख लूं लिक्विड सॉलिड, थोड़ा सा सब में अंतर देख लें हम लोग, लिक्विड एंड गैस। ओके बाबू, तो पहला पॉइंट लिखो, इसमें पार्टिकल्स क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसमें कुछ दूर दूर ऊपर होते हैं, मतलब कुछ दूर दूर मतलब डिसऑर्डरली अरेंज होते हैं, और इसमें क्या होते हैं, बहुत ही डिसऑर्डरली अरेंज होते हैं, है ना। पार्टिकल्स आर ऑर्डरली ऑर्डरली अरेंज। कण क्या होते हैं, नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। हिंदी वाले बच्चों लिख लो बाबू, पार्टिकल्स नियमित क्रम में व्यवस्थित क्रम में, मतलब पार्टिकल्स व्यवस्थित क्रम में सजे होते हैं, पार्टिकल्स व्यवस्थित क्रम में सजे होते हैं। इसमें बाबू पार्टिकल्स आर अरेंज्ड डिसऑर्डरली, पार्टिकल्स क्या होते हैं बाबू, अनियमित क्रम में सजे होते हैं। हिंदी वाले बच्चों लिख लो बाबू, पार्टिकल्स अनियमित क्रम में सजे होते हैं, और इसमें बहुत ही अधिक अनियमित होते हैं ना, पार्टिकल्स आर अरेंज्ड एक्सट्रीमली डिसऑर्डर, एक्सट्रीमली डिसऑर्डरली पार्टिकल्स आर अरेंज एक्सट्रीमली डिसऑर्डरली, बहुत अधिक अनियमित क्रम में सजे होते हैं। हिंदी वाले बच्चों, पार्टिकल्स बहुत अधिक अनियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। ओके बाबू, दूसरा, पार्टिकल्स सटे सटे थे, बहुत सटे थे, इसमें कुछ दूर थे और इसमें बहुत ही अधिक दूर थे। ओके बाबू, पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, मतलब बहुत ही नजदीक सटे सटे होते हैं। देखो बाबू, पार्टिकल्स बहुत निकट होते हैं, इसमें इसके रिस्पेक्ट में कुछ दूर होंगे, उसे बहुत दूर दूर होते थे ना, पार्टिकल्स आर अरेंज्ड फार, इसके रिस्पेक्ट में क्या होंगे, दूर पर होंगे, पार्टिकल्स दूर दूर व्यवस्थित होते हैं, पार्टिकल्स दूर दूर व्यवस्थित होते हैं, और इसमें बाबू वेरी फार, पार्टिकल्स आर अरेंज्ड वेरी फार, पार्टिकल्स बहुत दूर दूर व्यवस्थित होते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, सबसे मार्केबल पॉइंट, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत दूर दूर थे, क्लोजली पैक थे, जिसके कारण नज़दीक बहुत आ गए, लगभग में दूरियां बहुत ही कम रह गई, जिसके कारण इंटरमॉलिकुलर फोर्स सबसे अधिक कहाँ लगेंगे, यहाँ पे इसमें पार्टिकल्स कुछ दूरियां बढ़ गई, दूर बढ़ने के कारण इसकी इंटरमॉलिकुलर फोर्स की तुलना में घट जाते हैं, और इसमें पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हो गए, बहुत दूर दूर होने के डिस्टेंस बढ़ गए, तो इंटरमॉलिकुलर फोर्स यहाँ पर एग्जिस्ट करता ही नहीं, यहाँ पर है ना। मोर स्ट्रांग कर दूं, स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, प्रबल अंत आणविक बल, ऐसे बाबू बिकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स
विघ्नहर बाबू, इसके तुलना में कम, देखो स्ट्रॉन्गर है, बिगर है, दुर्बल 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 दुर्लभ नहीं, दुर्बल दुर्बल अंत आणविक आकर्षण बल, दुर्बल अंत आणविक आकर्षण बल, और इसमें तो लगेगा ही नहीं ना, नो इंटरमॉलिक्यूलर, नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अंत आणविक आकर्षण बल नहीं लगती है, अंत आणविक आकर्षण बल नहीं लगती है। अब समझना बाबू, इसमें पार्टिकल्स बहुत सटे सटे थे, सटने के कारण क्या हो गया, अंत आणविक आकर्षण बल बहुत अधिक लगी, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स लगने के कारण क्या हो गया, पार्टिकल्स एक दूसरे के कारण सट गए, और सटने के कारण क्या हो गया, अब जितना सटना था तो पहले से सट चुका है, अब आप इसे कंप्रेस करोगे, दबाओगे तो नहीं दबेगा, लेकिन लिक्विड में क्या होता है, पार्टिकल्स कुछ दूर दूर पर होते हैं, और दूर दूर होने के कारण, अब इतना बहुत ज़्यादा दूर नहीं होते, कुछ दूर दूर होते हैं, और कुछ दूर होने के कारण अब इसको दबाओगे तो कुछ हद तक ये दब सकता है, लेकिन गैस में क्या होता है, पार्टिकल्स सारे पार्टिकल्स इतने दूर होते हैं, और इतना दूर में है तो उसको हम कंप्रेस करके नज़दीक ला सकते हैं, अब अगर इसको दबाओगे तो पहले लिक्विड बदलेगा, और अधिक दबाओगे तो सट जाएगा, तो फिर वो सॉलिड बन जाएगा, जैसे कि आपके पास वाटर है, गैसियस फेज में था, कंप्रेस कर दो लिक्विड बन जाएगा, और कंप्रेस करो सॉलिड बन जाएगा, है ना। तो फिर हमारे पास यहाँ पे ये लिख दो, इनकम्प्रेसिबल, इन कॉम्प्रेसिबल होते हैं ये, इनकम्प्रेसिबल मतलब इसको हम लोग दबा नहीं सकते, इसको कहते हैं असंपीडनीय, असंपीडनीय, क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे से क्लोजली पैक हो गए थे, और ये बाबू इसको हल्का हम लोग दबा सकते हैं, गैस की तरह दबा सकते हैं, स्लाइटली स्लाइटली कंप्रेसिबल, इसको हम लोग हल्का दबा कर, हल्का दबा सकते हैं, ज़्यादा अधिक नहीं दबा पाओ, क्योंकि पार्टिकल्स कुछ दूर पर होते हैं ना, कुछ हम लोग इसको दबा सकते हैं, कुछ दबाया जा सकता है ना, और इसे तो बहुत दबा सकेंगे हम लोग, देखो बाबू कुछ दबाया जा सकता है, और इसे हाईली कॉम्प्रेसिबल, हाईली शिवन, बहुत अधिक संकुचनीय होती है, बहुत अधिक संपीडनीय, संकुचनीय, संपीडनीय होती है। ओके बाबू, लिख लिया, आ जा, चलो नेक्स्ट पॉइंट। अब जिस सॉलिड को आप दबा नहीं सकते, जैसे कि मैं ये कह दूं, हमारे पास ये पेन है, सॉलिड है, इसको हम दबा नहीं पाएंगे, अरे दबा नहीं पाओगे तो इसका एक डेफिनेट शेप होगा और एक डेफिनेट वॉल्यूम होगा, लेकिन लिक्विड है, जो लिक्विड है, लिक्विड की मैं बात कर लूँ, सॉलिड को तो दबा नहीं पाएंगे, नहीं दबा पाएंगे, इसका एक डेफिनेट शेप होगा, डेफिनेट वॉल्यूम होगा, लेकिन लिक्विड की बात करूँ, देखो यहाँ पे चार पार्टिकल इस लिक्विड को में है, ये पहला पार्टिकल, दूसरा, तीसरा, चौथा, ग्लास में रखा हुआ है, इस लिक्विड को मैंने क्या किया, इस प्रकार के बर्तन में रख दिया, पहले ग्लास में था, अब मैंने इस प्रकार के बर्तन में रख दिया, ये चारों का चारों पार्टिकल इस ग्लास में आ गया, लेकिन जो पहले यहाँ पर वन वाला था, हो सकता है यहाँ पर आ गया होगा, जो दो वाला था, हो सकता है यहाँ पर आ गया होगा, तीन वाला यहाँ पे, चार वाला यहाँ पे, क्योंकि इसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम लग रहे थे, इसलिए पार्टिकल्स इधर उधर अरेंज हो सकता है, लेकिन पहले जितना वॉल्यूम था अभी भी उतना ही वॉल्यूम रहेगा, क्योंकि जितना पहले था अभी भी उतना ही है, इसका मतलब ये हुआ लिक्विड का डेफिनेट वॉल्यूम तो होगा लेकिन डेफिनेट शेप कभी नहीं होगा, तो शेप कैसा होगा बाबू, जिस प्रकार के बर्तन का शेप होगा उसी प्रकार का लिक्विड का भी शेप हो जाएगा, है ना। तो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट बाबू, नेक्स्ट पॉइंट, हैव डेफिनेट
शेप एंड वॉल्यूम, देखना बाबू, निश्चित आकार एवं आयतन, निश्चित आकार एवं आयतन होती है। इसमें आ जाओ, आयतन वॉल्यूम तो डेफिनेट होगा लेकिन शेप डेफिनेट नहीं होगा। जिस प्रकार के बर्तन में रखोगे उसी प्रकार के बर्तन का शेप ले लेगा, है ना। हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट इनडेफिनेट इनडेफिनेट शेप। देखो बाबू, आयतन निश्चित होती है लेकिन आकार अनिश्चित होती है। आयतन निश्चित होती है लेकिन आकार अनिश्चित होती है। ओके बाबू, आकार फिर कैसा होगा बर्तन के आकार पर? देख लो यहाँ पर, शेप डिपेंड्स ऑन कंटेनर। जिस बर्तन में रख रहे हो उसी बर्तन के शेप पर निर्भर करेगी। ग्लास में रखो, ग्लास का कारक हो जाएगा। आप बड़ी सी टब में रख दो, टब का कारक हो जाएगा। लिख लो बाबू, लिक्विड का शेप, शेप मतलब आकार, लिक्विड का शेप बर्तन के आकार पर निर्भर करती है। नेक्स्ट पॉइंट इसका बाबू, समझना यहाँ पे, गैस है छोटे से बर्तन में है। इस छोटे से बर्तन में मान लिया है कि 100 मिलीलीटर का गैस भरा हुआ है, 100 मिलीलीटर का गैस भरा हुआ है। इसके पार्टिकल इस प्रकार से अरेंज है। अब इस गैस को क्या किया मैंने, बहुत बड़ा बर्तन में रख दिया। अब देखो, चूंकि इसके बीच पार्टिकल्स को पकड़ने वाला कोई नहीं है, और ये बर्तन कितना है, पहले 100 मिलीलीटर का था, अब ये 1000 मिलीलीटर की बर्तन है। तो ये जो चार पार्टिकल थे, चारों के चारों क्या हो गया, इस बर्तन में अरेंज हो गया, क्योंकि इस पार्टिकल्स को पकड़ने वाला तो कोई है नहीं। जितना जगह अच्छा उतना जगह में अरेंज हो गया, है ना। मतलब क्या हो गया कि जितना बड़ा बर्तन में आप लिक्विड को रखोगे उतना ही बड़ा उसका वॉल्यूम भी हो जाएंगे, और जिस प्रकार के बर्तन में रखोगे उसी प्रकार का उसका शेप भी हो जाएगा। ओके, मतलब ये हो गया, लिक्विड का ना तो कोई डेफिनेट शेप होगा और ना ही उसके डेफिनेट वॉल्यूम होगा। तो दोनों शेप और वॉल्यूम किस पर निर्भर करेगा, कंटेनर के शेप और वॉल्यूम पर। इसीलिए हम लोग कभी भी गैस को किलो के रूप, सॉरी कभी गैस को लीटर के रूप में नाप नहीं सकते। 1 लीटर गैस, 2 लीटर गैस, 3 लीटर गैस, ऐसा नाप कर नहीं दे सकते। जब भी आप किसी को ट्रांसफ़र करोगे किलोग्राम में करते, क्यों, क्योंकि उसे बंद बर्तन में रखना पड़ेगा, है ना। तो बोल दो बाबू, नेक्स्ट पॉइंट, गैस हैज बोथ गैस हैज इनडेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। देखो बाबू, गैस की अनिश्चित आकृति एवं आयतन होती है। गैस की अनिश्चित आकृति एवं आयतन होती है। नेक्स्ट पॉइंट मैं तीनों में नेक्स्ट पॉइंट लिखूंगा, लेकिन थोड़ा सा आप लोग पहले देख लो बाबू, समझना। एक पॉइंट इधर भी लिखूंगा, समझना बाबू। गैस में जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट था, एक दूसरे से बहुत दूर दूर था, और जैसे दूर दूर था तो अगर उसे छोड़ देंगे हम लोग किसी बर्तन, जैसे यहाँ पर गैस पड़ा हुआ था बंद बर्तन में, जैसे ही उसे छोड़ दोगे, जैसे ये कमरा है, इस कमरे में मैं कोई एक छोटे से इतर छोड़ दूँ तो पूरी कमरे में बड़ी आसानी से तेजी से फैल जाता है, सबसे तेजी से फैलेगा लिक्विड और गैस के, लिक्विड और सॉलिड की तुलना में भी। सॉलिड में तो वहाँ फैलता ही नहीं है, लिक्विड की तुलना में गैस, एक अगर गैस को कहीं पर छोड़ दूँ बड़ी तेज़ी से फैलता है। क्यों फैलता है, क्योंकि इसका जो पार्टिकल्स है ना रैंडम मोशन दिखाता है, और कोई काम बढ़ तेजी से तभी हो सकता है जब दोनों की दो चीज़ें एक दूसरे से क्या हो, विपरीत दिशा में आती हो। जैसे कि दो गाड़ियां जा रही है,
दो गाड़ियां अगर एक समान दिशा में जा रही तो देखना कि दोनों की स्पीड बहुत कम लगेगी, लेकिन जब दोनों की स्पीड अगर एक इधर से आ रही है एक इधर से आ रही हो तो देखना लगेगा बहुत तेज स्पीड से गाड़ी गुजर रही थी नहीं क्या। वैसे ही अगर इस गैस को मैं यहाँ पर जो कोई बर्तन में गैस है अगर उस गैस को इस रूम में छोड़ दूँ, क्योंकि इस रूम में भी गैस है, एयर है, ऑक्सीजन है ना, तो ये जो गैस है जिसमें आप छोटे से बर्तन रखा है उसे छोड़ोगे तो उस गैस के जो मॉलिक्यूल हैं इस गैस में जो आएंगे, इस गैस के मॉलिक्यूल इधर जाएंगे, इस गैस के मॉलिक्यूल इधर जाएंगे, जिसके कारण तेजी से गैस के मॉलिक्यूल इस रूम में फैल जाएगी। इसको हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का प्रोसेस सबसे फास्ट कहाँ पर होता है बाबू? गैस में। क्यों? क्योंकि गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे रैंडम मोशन करने के कारण एक दूसरे के विपरीत मोशन करते हैं, सॉलिड और सॉल्वेंट के विपरीत मोशन करते हैं, इसलिए इसमें सबसे फास्ट डिफ्यूजन होता है। इसमें भी डिफ्यूजन होता है, जैसे कि पानी है, पानी में दूध को मिला दो तो धीरे धीरे देखना कि पानी और दूध दोनों एक दूसरे मिल गया है ना, तो इसमें भी डिफ्यूजन होता है लेकिन इसकी तुलना में कम होता है, स्लो होता है, और सॉलिड में डिफ्यूजन का प्रोसेस नहीं होता है। लिख दो बाबू, फास्ट डिफ्यूजन है ना, तेज और डिफ्यूजन मिश्रण, तेज विसरण होती है इसमें बाबू, स्लो डिफ्यूजन इसमें क्या मंद विसरण होती है, और इसमें तो डिफ्यूजन होता ही नहीं है, नो डिफ्यूजन। डिफ्यूजन विसरण नहीं होती है, नहीं होती है। ओके बाबू, एक और लिख दूं, इसमें पार्टिकल्स के बीच चूंकि एक दूसरे से बहुत ही क्या है, एक दूसरे से क्लोजली पैक है, जैसे सॉलिड है, सॉलिड के बीच में सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से इस प्रकार से पैक्ड हैं, और मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, तो ये वाला जो बीच वाला जो पार्टिकल है, देखो इसको ये आकर्षित करेंगे ना, समान फोर्स से करेगा। मान लिया जाए यहाँ पर कोई एक इंसान है, उस इंसान को क्या करूँ, समान बल से इधर भी खींचें, तो लगता है कि ये जो आदमी है इस प्रकार से झूलते रह जाएगा, है ना, वाइब्रेटरी मोशन करेगा, ऑसिलेटरी मोशन करते रह जाएगा, क्योंकि समान फोर्सेस सभी जगह उसको खिंचाई पड़ रही है। तो यहाँ पे पार्टिकल्स में मोशन तो होगा, लेकिन चूंकि पार्टिकल्स एक क्लोजली पैकेज प्रबल स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था, इसके कारण क्या होंगे, पार्टिकल्स इस प्रकार से वाइब्रेट करेगा, उसको कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। लेकिन लिक्विड में क्या होगा, अगर पानी को यहाँ मैं हाथ पे रख दूँ तो धीरे धीरे क्या होगा बाबू, बातें आगे निकल जाएगा, ट्रांसलेटरी मोशन है, और इसमें क्या है, पार्टिकल्स को पकड़ने वाला कोई है ही नहीं, रैंडम मोशन है ना। तो एक पॉइंट और लिखूं, पार्टिकल्स शोज ऑसिलेटरी मोशन, लिखना बाबू, पार्टिकल्स में कंपन गति होती है। आप फीलिंग भी करते होंगे, कहीं ब्रिज पर जा रहे हैं, ब्रिज पर से जब देखेंगे उधर से कोई ट्रक वगैरह क्रॉस करती है तो देखना ब्रिज थोड़ा सा इस प्रकार से कंपन करता है ना, क्योंकि उसके पार्टिकल्स में क्या होते हैं, वाइब्रेटरी मोशन होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आ जाओ बाबू, पार्टिकल्स शोज ट्रांसलेटरी मोशन, लिखोगे बाबू, पार्टिकल्स में रैखिक गति होती है, और इसमें बाबू रैंडम ना, पार्टिकल्स शो रैंडम या जिगजैग मोशन, लिखना बाबू, पार्टिकल्स शो रैंडम और जिगजैग मोशन, पार्टिकल्स यादृच्छिक गति
जैसे मक्खियां करती है, मक्खियां करती है, पार्टिकल्स रैंडम यादृच्छिक गति दिखाती है ना। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग क्या किए, आज फिजिकल क्लासिफिकेशन के मैटर का, तो केमिकल क्लासिफिकेशन हम लोग फिर से करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप इसे क्या करोगे बच्चों, अच्छे से नोट कर लेना, अच्छे से इसको माइंड में सेट कर लेना। थोड़े से अभी हम लोग धीरे धीरे चल रहे हैं, ऐसे भी इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, क्योंकि सॉलिड स्टेट को हम लोगों को 12 में एक डिटेल्स में पढ़ना है, गैसेस स्टेट को हम लोग डिटेल्स में 11th में पढ़नी है, और ये दोनों में हम लोगों को बार बार काम आते रहेंगे, ठीक है। तो फिर से जो आपके पास इसका केमिकल क्लासिफिकेशन है, एलिमेंट है, एटम है, मॉलिक्यूल्स है, फिर ये आपके पास जो मिक्सचर है, उसको मैं आपके साथ क्या करता हूँ, नेक्स्ट क्लास में आपके साथ फिर से उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए आर क्वेश्चन की तरफ से आप सभी को प्यारा प्यारा सा थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।